नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है अलीगढ़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जम्मू के अखनूर में बस जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्रद्धालुओं को शिवखोरी पौनी ले जा रही थी, जम्मू के तुंगी मोड़ के पास खाई में गिर गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही राहत एवं बचाव के लिए सुधीर कुमार सोनी उपजिलाधिकारी ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उदय सिंह के भी आदमी थे और कुछ वहाँ के भी थे, कुछ आतरस के तो कुछ लोका नगर जो दाऊदी के पास पड़ता है उसके भी थे। टोटल गाड़ी में कितने लोग थे? 75 यात्री थे। 75 यात्री। गाड़ी आपको पता कहाँ पलटी, कहाँ जा रही थी? कहाँ? शिवगौड़ी जा रहे थे, और शिवगौड़ी जाते वक्त जो है एक खाई में जो है गिरी है। कितने लोगों को गंभीर चोटें हैं? गंभीर चोटें तो बचने से कम 10 आदमी जो है फ्रेश है, जो जिनके छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन बाकी के तो सबके चोटें हैं। किसी का पैर टूटा है, कुछ काट दो, कुछ डेड हुए हैं। आप अपने घर वालों को किसी को अपना मैसेज देना चाहते हो? मैं तो सुरक्षित हूँ, और उनके जो आएंगे जब उनको बताया जाएगा, और ऐसे ही वहाँ पे बता दें तो अभी वहाँ पे बेकार हंगामा होगा, रोआ पीटी होगी। आप देख सकते हैं जो कि बस सर, बस क्या तेज रफ्तार में थी या स्लो में चल रही थी? बता रहे हैं कि बस 50 बस सही स्पीड में थी, कोई ज्यादा कम भी नहीं थी, ज्यादा भी नहीं थी। लेकिन जो सामने से बस आई उसकी उसने सामने सामने से आई है तो वो इधर चली गई। 6 बजे आएगा, 47 आदमी लिस्ट बन गई। क्या नाम है आपका? कमलदीप। कौन सा गाँव है? नाया। अभी पता पड़ जाएगा गाँव के कितने लोग खत्म हो चुके हैं? गाँव के जख्मी से ही है सारे लोग, जो भी है मतलब कुल मिलाकर वैसे ठीक रहे थे इतने सबरे, मतलब एडमिट ही है सबरे हॉस्पिटल में। कितने 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 आदमी, कितने गांव के आदमी गए थे यहाँ? गांव के आदमी हमारे 47 है। नहीं, कौन कौन से गांव के थे? यहाँ से 3-4 गांव से गए। कौन कौन से गांव थे? एक तो नगला उदय सिंह है, एक धनीपुर है, हमारा गांव है नाया, और सुभाष ग्राम मई, और फिर कुछ रिश्तेदारियों में से भी है। पता पड़ पाया कितने लोगों की मौत हुई अभी? जो DM मैडम, वो SDM मैडम सर हैं, उन्होंने अभी डेथ के बारे में तो कुछ बताया नहीं है। इतना पूरी आपके पास कोई फोन सूचना? अभी कोई बात नहीं हुई है किसी से, जो भी फोन है स्विच ऑफ है। अभी हम गांव में आए थे, तो यहाँ पर लोगों से हमने नाम पूछा कि कौन कौन किसके परिवार का गया था, तो उन लोगों ने हमको नाम बताए। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से हम टच में हैं, तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्रॉस कंफर्म करके हम लोगों को बता रहे थे। अभी काफ़ी लोगों के नाम की सूची मिली थी जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो हमने सूचित कर दिया उन परिवारों को, जैसे आगे सूचना मिलेगी तो हम सूचित। इस गाँव से कितने लोग हैं मैम? अभी जो गांव वासियों के अनुसार उन्होंने हमें अराउंड 45 लोगों के नाम लिखवाए हैं, जो जिनके परिवार के लोग गए। वो कौन कौन से गांव के लोग थे? नाया के थे, और यहाँ आस पास में बच रहा है धनीपुर, वहाँ के कुछ लोग थे, कुछ लोग मई के, 2-3 लोग मई के थे। अभी यहाँ से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क में, जैसे कोई सूचना मिलेगी तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के नगला पटवारी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। गांव उंडगीर निवासी 22 वर्षीय तबस्सुम की शादी 10 माह पूर्व नगला पटवारी निवासी युवक के साथ हुई थी। मां के पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग तबस्सुम से 50,000 रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे। आरोप है कि जब तबस्सुम द्वारा मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये मांगने का विरोध किया जाता था तो उसे मारते पीटते थे और प्रताड़ित करते थे। मायके पक्ष का आरोप है कि बुधवार को ससुराल पक्ष ने तबस्सुम की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस के द्वारा शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। नाम है आपका? मेरा नाम जैनुल आबिदमा है। जैनुल साहब कहाँ रहते हैं? ऊंटगिर में। थाना कौन सा है? हरदोगंज। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? एक हमारे गाँव की बच्ची है तबस्सुम। उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 22 साल। शादी कहाँ हुई थी? नगला पटवारी साबरी मस्जिद के बराबर में। कितना टाइम हो गया शादी को? 10 महीने। क्या हुआ, कैसे डेथ हुई है इनकी? ये लड़का बहुत परेशान करता था, अभी 2 महीने पहले इसको इसके पिताजी घर बुला लाए थे। अभी लगभग 10 दिन पूर्व इसके घर पति और लोग आए थे, तो ज़बरदस्ती काफ़ी खुसामत करके इसको ले गए, और ये बहुत भद्दी गालियाँ देता था, 50,000 रुपये की डिमांड करता था, और एक बाइक की भी डिमांड कर रहा था। तो उसका एक ऑडियो भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों के मान मतलब के कारण इन लोगों ने बच्ची को भेज दिया। अब क्या घटना हुई है? अब कल सुबह में इसको बच्ची को मार के इसका पति दिल्ली निकल गया है, और परिवार वाले जो है घर से गायब हो गए, अड़ोसी पड़ोसियों ने हत्या की है। कैसे?
गला दबा के हत्या की है। शव किस अवस्था में मिला इनका? सब बेड पे मृत अवस्था में मिला था। कोई FIR वगैरह दर्ज कराई है? FIR के लिए हम गए थे तो वो कह रहे हैं कि अभी पहले पोस्टमार्टम हो जाए। ससुराल पक्ष के लोग कहाँ हैं इनके? सब गायब हैं, घर पे कोई नहीं है, हम ही को लेकर हैं। कहाँ हैं अब आप लोग? हम यहाँ पोस्टमार्टम हाउस पे हैं। पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है? हाँ करा रही। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।